भाई आज बहुत दिन बाद हमारा ब्लॉग आ रहा है फिर सूट, तो आज हम जा रहे हैं भाई गाड़ी के सूट चेंज करवाने। सूट चेंज तो करवा लिए, पापा जी ने डलवा ली है सूरजपुर, और उन जो सूट है वे है नकली, एक पापा के दोस्तों ने दुकान पर से ले ली है, तो वे ही नकली। उन्होंने डिस्प्ले जो रहे हैं ना जहाँ पे सू लग के रोके है, ब्रेक लगा है, वो गई घिस उस पर आ रही है लाइनिंग। तो कल मैंने दिखाया मिस्त्री, तो मिस्त्री बोल रहा पहले खरा दिया फेसिंग हुई है, फेसिंग क्या है भाई उसे जो घिसा है खरा दिया मशीन से, मतलब उन्होंने प्लान कर दिया जो उन पर स्क्रैच स्क्रैच आ रही है, उन्होंने जो अपने जीके बना ली ना उसे बिल्कुल प्लान करके फिर नए सू गिरवाएंगे। तो अब चल रहे, देखो अभी मैं गाड़ी का ब्रेक मारूंगा तो घूम आवाज आवा है, उस वजह से आवे, देखो ऐसे तो ना आएगी, खैर सी चढ़ा लूँ पहले, अब देख लो भाई तो मैं ना आई होगी लेकिन आवाज आई होगी ना पता ना, पर आया फील हुआ है ग्रर करे ना वो ब्रेक सुई करे। तो अब चल रहे हैं ब्रेक सू चेंज करवाएंगे और उसे फेसिंग करवाएंगे, दिखाते हैं भाई। जो पहले गाड़ी फ्लिप रहा ना एल, मैं समझे कर ना आया ये क्या चीज़ है या का मतलब क्या हुआ, फिर बाद में समझ में आया ये हो है लर्निंग, एल फॉर लर्निंग, जो मतलब गाड़ी चलानी सीखा है, फिर समझ में आ गया मैंने कि ओहो ये गाड़ी सीख रहे हैं, ज़्यादातर ये लेडीज गाड़ी पे मिला है क्योंकि वही सीखे है, पता ना कैसे सीखा है भाई, सीखी सिखाई भी एक जैसी है, हम तो इंस्टा पे देखते रहे उनकी ड्राइविंग करने देख देख कट रहे भाई, नैनो सू और वुमेन्स बच के चलो, और इन रिक्शा वाले इन सू भाई मोतन रिक्शा वाले इन सू बॉर्डर अलग, मैंने देखो थार पलट दी कहने वाली बात है पर पलट दी मैं जैसे वीडियो में दिखाई गई, और वुमेन उनकी भाई सब पता ही है, और ऑटो वाले में देखो कितने कुछ कह लो, वे तो जब भी पिटा है जब भी पिटा है, पिटने के बाद भी ऐप कर रहा है ऐसी है। यू भाई अपना एचर, यहाँ भाई तिब्बत मार्केट लगा है एचर में, ये जो है ना ये पूरा ग्राउंड है, ये पूरे में मार्केट लगा है तिब्बत, तिब्बत है ना हाँ लद्दाख, लेह लद्दाख में रहते देगा तिब्बत जगह होगी कोई, तो हाँ के यहाँ एक मार्केट लगा हुआ अपने, वहाँ के प्रोडक्टर ने हम बेचा है, ज़्यादातर लेडीज के रह हुआ है, बच्चे के कपड़ा रह हुआ है, ये सब चीज़ अरे अपनी एचर की मार्केट होगी। यहाँ हमारे दोस्त की भी एक दुकान है जब्बा जब्बा की, जब्बा 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 कह नमित को, नमित भाटी मैं दिखाऊं तो मैं कहे नाम सु है सिद्ध के नाम सु है कौन सी है कौन सी है, हाँ जहाँ बैठ ले खड़ी ना मैं ये जो जो नमी थारी की दुकान है, बैटरी वैटरी करवानी हो भाई कही है नमी तो कांटेक्ट करो, ओम नमः शिवाय। ये अपने अचर की मार्केट होगी सारी, यूरी देखो तिब्बती पूरा ग्राउंड पूरे में लगा पूरे में, अर रामलीला मैदान भी यहीं हो जावा जब रामलीला चल रहे हैं दिवाली पे, और अपना होली पे तो घूसा बा जाइए दारू पी के, ये वहां बना लिए है परिक चौक, जी परी अरे आज तो परी चौक भाई पौने चल रहा हो, चलो सही है परी चौक पर पानी चल रहा है, परी चौक दिखाते हैं देख लो भाई, अभी नोला वाले ने अब एक काम कराए पिटने के, फिर ये नू कह रहा है मैं लिखा रहा हूँ गाड़ी हॉर्न भी दे रहा हूँ लेकिन जब भी चिपकाया जा रहा गाड़ी में, गाड़ी में तन्ने के भी स्क्रैच आ फिर इन्हें पीट लो, स्क्रैच तो ठीक करवाएंगे नहीं क्योंकि इन भैया ये सोचा है भाग जाओ ये परिचो, रात में अच्छा लगा जाता अभी थोड़ा देखो पानी चल रहा पर लाइट ना हो रही, रात में लगा प्यार, तो भैया आराम से देख के गाड़ी निकाल लो देर ना हो जाए कहीं। तो मैं दिखाऊंगा मैं एक दोस्त की दुकान था मैं, मतलब दोस्ती है कुछ भी गाड़ी कम हो भाई स्पीकर स्पीकर इंटीरियर में सो एक्सटीरियर में सो कुछ भी पार्ट वार्ट स्पेयर पार्ट की, तो आगे ताऊ के ताऊ जी की दुकान चाचा की ताऊ के कुछ ही है भाई पता नहीं क्या है, तो चाचा जी है चाचा और उसकी खुद की है गाड़ी के अंदर कम करवाना ये सब चीज़ ऑटोमेटिक करवाना स्पीकर विस्पीकर सीट कवर फ्लोर मैट वैट सब चीज़,
वो पिलर भी कलर करवा दिए योगी जी ने, अब अच्छे लग रहे हैं। जब थोड़े ऐसे लगे करे बिना कपड़ा के, अब ऐसे लगे कपड़ा पहन लियो, देखो पिंक टॉयलेट भी बन रहा है। वैसे भाई योगी काम कर रहा अपनी कसम। ये मामू बैठे मामू अच्छे लग रहे ना वैसे पिलर। देखो देखो अब मैं आपको दिखाता रहूँगा भाई आज। देखो एक, कोई बात नहीं अभी देखते रहना आप। नॉलेज पार्क में चले जाओ, नॉलेज पार्क में अगर तुमने एक चोटा मारा किसी ऑटो वाले में तो मैं बात ही ना बनाएगी। देखो देखो अब देखो सीध जा रहा, और देख किंगे करो अब यार, देख रहा तुम जा किंगे करो, हाँ देखे किंगे को है पता ही नहीं। बच्चे 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 एक काम कर मैं लेट जाऊंगा मुंह पे चढ़ा दे भाई इनके हाथ में। भाई ऑटो अगर इनके हाथ में कुछ छोड़ दे दियो ना, कोई बड्डी सी गाड़ी सी, तो ये रोकने सी चढ़ाए उतार दे ऊपर कर इनके टैंक, इन्हें फौज भेजो टैंक वैंक नहीं दो भाई हकीकत बात, जो टैंक पैंक नहीं दो ये जाएंगे चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान जहाँ भी जावे, चाइना पाकिस्तान रूस रशिया पशिया सब जगह। ओहो यहाँ भी रूप जो पानी बट रहा है, चलो गला ठंडा होएगा आज तो बहुत जी है। सब्जी के एक गिलास मारेंगे, कहीं भंडार और मिल जावे ना तो मज़ा ही मज़ा आ जावे। चलो हम निकाल लेते हैं, ये पहुँच गई थी अपनी लोकेशन पे। नहीं भाई कभी भी कोई भी आवे परी चौक MRF टायर का, देखो यहाँ है सब्जी शोरूम से MRF टायर है ना, ये रहा यहाँ की साइड में ये पुल है यार, इसे ले लो और विकास मोटर से नहीं जो भाई कॉर्नर पे यहाँ सीट बेल्ट तो अच्छे लगे। विकास मोटर से जो ही अपना गैर का जूस वाले भैया हटा लो भाई, तो यू अपने मुड़ी गाड़ी गड़ी में कम हो रही जोर भाई अपने दोस्त क्या तो इस भाई कौन लगा कौन लगा तो आज भाई अपनी गाड़ी में करवा देगा कॉम यार करवा दे सुनने तो गोम के खड़ी है भाई गोम के डरे मत भाई पीछे कुछ करनी पड़ेगी और सब ठीक ठाक। मैंने यार बना लूँ आज बहुत दिन हो गए, एक व्लॉग मैंने बनाए लू बहुत दिन हो गए, काफी दिन हो गए। थोड़ी बस दुख दर्द परेशानी चल रही और बता भाई अभी एक बार भाई चेक करेगा गाड़ी चलाया के अब भाई गेल जाएंगे क्या दिक्कत आती है अब चला एक चेक करोगे भाई करो चेक क्या दिक्कत आ रही है दिक्कत ब्रेकिंग की प्लेट घिसी हुई है आवाज करा ब्रेक मारने पर स्पीड ले जाकर चेक करनी पड़े प्लेट किसी पड़ी है कि डिस्प्ले डिस्प्लेट और ब्रेक पॉइंट चेंज होंगे इसके। हाँ वे कह रहे हैं टर्निंग हो जाएगी, टर्निंग में मजा आने का, टर्निंग में जो है ना बैंड का खतरा हो जाएगा। बैंड का कैसे गाड़ी को दिक्कत आ जा काम ना करते हैं सी ब्रेक। अच्छा जी तो चेंज कराने में फायदा अगर टर्निंग करवा के चला तो कितने किलोमीटर चल जाएगी जब भी चलती रहेगी गाड़ी भी स्टीयरिंग कापन लगेगा कितनी स्पीड पे 60-70 पे तो कहाँ पर है
ये देखो भाई ये हो ये दिक्कत ये जो सू घिस जावे बाद बाद चलावे तो ये घिस जावे ना प्लेट दिक्कत तो लाइन आ रही है ना लाइन 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 ये देखो अरे भाई है खत्म खत्म तो ना भी अभी देख लेंगे तो बताओ बस लाया था अब देखते हैं देख ले खत्म है जो चल जाएंगे ना एक बार दिखा लेंगे तो उस बार टर्निंग करवानी है अभी टर्निंग होगी ना हां टर्निंग करवानी है निकालो सू निकालो जो मैं काम करूँ पूरे दिन घूमना फिरना सोचती मैंने देखो यार हम ऊपर ब्रेक ऑयल क्या खोल दिए ढक्कन है और जो भाई अगर लेवल बढ़ जाए अगर ब्रेक शो खोले नहीं भैया ये चेंज करवानी चाहिए तुम्हें वैसे तो इसमें से इतना माल कम हो जाएगा अच्छा समझ गए बचेगा कितना माल इसमें कितना ही इधर से कट जाएगा तो ये कमजोर हो जाएगी प्लेट अच्छा कमजोर होने के बाद में ज्यादा कम है फिर ये कभी ऊपर वाला ना करे टूट गई ना तो मामला खराब हो जाएगा ये इतनी मोटी होती है प्लेट फिर हीट में बहुत जल्दी हो जाएगी क्या अगर पतली करेंगे किसी बात हो तो होगी देखो कमजोर हो जाएगी तो हीट भी जल्दी होगी बाकी तुम्हारी मन की बात है आप ये मत सोचना कि मुझे फोर्स कर रहे हैं ना 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 मैं समझ गया ये कम हो जाएगी देखो इतनी कम हो जाएगी मतलब आधी हो जाएगी इतनी अब है ना इससे आधी हो जाएगी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करवा देते ज्यादा ना थोड़ी बहुत सुनो दे मशीन तो पूरा काम करेगी ना समझेगा हम चले तब इस भाई दोरे सुन और ये भाई की दुकान हैगी विकास मोटर्स का नाम सुन कोई ना भाई अभी क्या है भाई की गाड़ी में जो थी वो प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी थी तो भाई कह रहे हैं कि मैं आऊंगा एक या दो दिन के बाद क्योंकि अगर हम उसमें जुगाड़ भी कर देते तो वो चल नहीं पाता फायदा कोई फायदा नहीं हम पैसे भी लगाए और बेकार हो काम तो कुछ फायदा नहीं अब भाई की गाड़ी में क्या पूरा एक साथ ही पूरा मतलब पूरा जड़ को ही काट देंगे एक साथ क्योंकि पैसा भी लगा और मजा ना आए तो बेकार है और भाई नुकसान भी हादसा भी हो सके और वैसे भी ये चीज ऐसी है इसमें थोड़ा बहुत ही मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकते कि थोड़ा सस्ता लगा लो या बेकार लगा लो कॉम्प्रोमाइज वाली चीज लग गई बस बात खत्म एक बार में मतलब खेल खत्म हो जाना चाहिए सारा तो कोई नहीं प्रिंस भाई तुम बस जब भी तुम्हें टाइम मिले जब तुम लगो आप आ जाना मैं ही करा दूंगा एक ट्रिप की बात लगेंगे तो ठीक तो नहीं कोई नहीं कोई नहीं बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है भाई अपना टाइम निकालने के लिए जब पानी पीते हैं रूबजा बटरा है रूबजा तो भाई कहीं मत छोड़ो रूबजा और भंडारा मैं तो देखो छोड़ता ना हूँ और किसी के पते ना भाई कोई पिया ना पीता पर मैं नहीं छोड़ता तो अब रूबजा जरूर पियेंगे देखते हैं कैसा टेस्ट है लाइए भाई कोई सा एक भाई है वैसे एक ही एक भाई धन्यवाद भाई बड़े लग रहा मैं इधर बोतल ना मैंने बोतल मरवा लेता मजा आ गयो तो भाई अब चलते हैं घर अब घर चल के रोटी वोटी खाएंगे भूख लग रही बहुत कड़ी अपना डाइट प्लान फॉलो करेंगे दीदी जी एक मिनट और चलो आप चलो वाह मियां एक मिनट अस्सलाम वालेकुम भाईजान भाईजान पानी पी रहे गर्मी हो रही है चलो गाड़ी तो बची गई निकलते हैं यहाँ से ये अपना आंसर प्लाजा मॉल है बहुत पुराना मॉल है अब तो ऐसा कि इसकी रेट पिट के देखो मैं से बताऊंगा कि
अब तक हालत ऐसी हो रही है कि कोई किराए पे भी उठा लो। अभी हम किराएदार रह करेंगे कुछ दिन बाद अंसल प्लाजा मॉल में किराएदार रह करेंगे। इतनी बुरी हालत हो रही है इस केस में। और वो ऑटो वाले देखना धूम धूम। वैसे साउथ के हो तो मैं एक काम करो भाई मेरे, अगर कोई साउथ का कर सके ना तो एक ऑटो वाले के ऊपर भी बनवाओ मूवी, ऑटो ड्राइवर लाइफ रेसर गैंग, जैसे लूट लूटपाट करें जैसे धूम में करे मोटरसाइकिल वाले लूटपाट, ऐसे ऑटो वाले गैंग रहेंगे ऑटो से लूटपाट करे करेंगे। बस तगड़ी बनेगी मूवी बहुत तगड़ी। मरेंगे ही ना, गोली मार लो मरने नहीं है। देखो कैसे खड़े मामा, ऐसे जो डंडा दुआ सको कोई मत दुआ दो इनके, हम जो रहे ना वाइट वाला डंडा सबसे बढ़िया टूट सा ना मारने में। ये दो सिटी, ये तो किसान जा रहे हैं। ओह रेली कट रही दिख है, जाम तो लग रहा पर है किस चीज़ के जाम। हम जाम से बच के सीधे निकल लेंगे क्योंकि रास्ते बहुत है। देखो एक और ऑटो वाला देख रहे हो, देख अब तुम देखते जाए ना ड्राइविंग। देखो हम तो पीछे चला रहे हैं, ये पीछे नहीं चलाएंगे, ये मार दिया जी कट, यहाँ से ले लूँ यहाँ से लेने में से फायदा क्योंकि गोल चक्कर से ही राइट लेके वरना चल देंगे। ओ रुक जाओ अंकल रुक जाओ जी, बंद होगी हमारी गाड़ी। ओह मामूलो खड़े सीट बेल्ट लगा लेनी चाहिए, तो सीट बेल्ट लगा ली है। अब देखते हैं, देखो पुलिस वाले तो बहुत खड़े हैं, जाम भी खुलवा रहे हैं। आरटीओ वाले भी खड़े हैं मामा, ये तो ज्यादातर पिलर पेंट कर दिए, वैसे बड़े लग रहे देखो पिलर। चलो तो चलो घर चलते, भूख लग रही है भैया। वैसे भाई देखो एक चीज बताऊं, अगर किसी के लिए अगर डिस्प्ले घिस रही है ना, अगर ज़्यादा ही घिस रही है, देखो मिस्त्री मैं तो मिस्त्री से पूछ लेंगे फिर, मुझे तो देखो सही बताया क्योंकि अपने दोस्त हो कोई ऐसा मिस्त्री ना हो कि भाई ना कस्टमर है। वैसे भी भाई कस्टमर भी होता उन्हें भी ऐसे बताते, वे कह रहे हैं कि आपकी जो डिस्प्ले है ना घिस रही है ज़्यादा, और अगर इसमें खराबियाँ करेगा उसे देखो मैंने वीडियो में दिखाया भी उसमें इतनी चौड़ी रह गया वो घिसके इतनी होगी और खराब फिर उसे और घिसा फिर और इतनी पतली हो जाएगी। अब इतनी पतली होने के बाद अगर ब्रेक मारेंगे ना वो बहुत जल्दी हीट होएगी और वो बैंड भी हो सका है, और बैंड होने की वजह से भंग ना चाह किसी गैल भी ना हो, देखो एक्सीडेंट भी हो सका है कुछ गलत भी हो सका है, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया है कि भाई आप इसको टर्निंग मत करवाओ, आप इसे चेंज करवा लेना। अभी ये देखो ये तो चल जाएंगी, अभी कोई दिक्कत ना आएगी ब्रेकिंग में भी कैसे भी आवाज़ करेगी थोड़ा, ये चल जाएंगी, लेकिन फिर आप चेंज ही करवा लो अपने। तो भाई बहुत बढ़िया लगा कि बस सही सलाह दी हमें, देखो और सही सलाह देनी चाहिए। ये हमारे गांव के बाबा जा रहे हैं, मुझे आती बारी मिले हैं। बाबा का नाम क्या है, दुष्यंत बाबा, याद आ गई। अब पता नहीं गलत बोला उनसे, बोला दुष्यंत नाम देखे बाबा का। हाँ बता दी ना, कोई गांव का भाई हो तो कमेंट करे कौन कहाँ नाम बाबा का। ठीक है जी, तो अब देखो चेंज करवाएंगे पर अब ट्रिप पे जाने के बाद, ट्रिप से आने के बाद, और ट्रिप अब देखो भाई लगेगी, अब ट्रिप का व्लॉग आएगा एक आध दिन में आने वाला है, ट्रिप चलेगी फिर कई व्लॉग गिरेंगे ट्रिप के, छोटे 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 पार्ट 10-20 सेकंड मिनट के। ठीक है चलो तो बाय।